लेकिन आज हम बताएंगे अगर किसी भी आसन से आपको मालूम कैसे चेक करना पड़े। मान लो कि आपको स्टिकर जब आप डायग्राम खोलेंगे या जिसको आसन से बैक कवर जब खोलते हैं जिसको हम बैक कवर बोलते हैं ना, जब आप बैक कवर खोलेंगे तो उसके पीछे ही आपको क्या होता है डायग्राम चिपका होता है। तो डायग्राम मिल गया उसको चेक करना पड़े। कैसे चेक करेंगे इम्पोर्टेंट क्या है देखिए कैसे चेक वो बता रहा है ना, इस बात को नहीं बताया कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फेस को पकड़ते हैं ठीक ना, अपने फेस को देखते हैं फेस कहाँ से कहाँ जा रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ से फेस निकल रहा है और इसका जो कलर होता है क्या होता है रेड ठीक ना जी। तो आपको मालूम होगा आप चूहों ने काट दिया वाशिंग मशीन में, आप क्या करते हैं चूहे काट देते हैं ठीक ना। वाशिंग मशीन की वायरिंग में अक्सर ऐसा होता है, शिकायत आ जाती है चूहे घुस जाते हैं और काट देते हैं, तो तार कटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना, आप डायग्राम देखते हैं देखो कि स्टिकर कैसे आपको बना होगा, ऐसे ही सेम बना रहता है। आपको देखना है कि हमारे प्लग से जो हमारा बाहर का प्लग है जिसे पावर कार्ड कहते हैं, पावर कार्ड से जो वायर निकला वो रेड निकला है ना, तो आपको रेड वाले वायर को पकड़ना है। इसके बाद फ्यूज लगा है, देखो 5 एम्पीयर का फ्यूज लगता है। ये फ्यूज कैसा होता है, ग्लास में होता है, देखे होंगे सब लोग फ्यूज को। तो जब भी काम जाओ तो आप टीवी खोलो या डीटीएस या एमपीएस खोलो कि फ्यूज लगा होता है ग्लास में, देखे ऐसा ही कुछ। ये फ्यूज है, इसका एम्पीयर है 5, इसके अंदर एक वायर होता है ना, ये ग्लास बॉडी होता है, दो तरफ लग होता है, इसका एक क्या होता है लॉक पॉइंट होता है जिसको इसका क्या इसको लॉक किया जाता है ना, वैसा फ्यूज लगा है यहाँ पे। तो वायरिंग कहाँ जाएगी, सबसे पहले फ्यूज के एक सिरे में, फिर दूसरे सिरे से क्या होगा निकलेगा। तो अब देखना है कहीं फ्यूज तो नहीं ब्रेक कर गया है या फ्यूज लगा है कि नहीं लगा है। और फ्यूज के बाद से वायर देखो आपका ब्लैक निकल रहा है ना, ये आपका वायर यहाँ से निकल रहा है ब्लैक, इसका कलर एक्चुअली चलो ठीक है आप ब्लू है तो इसको ब्लैक कर सकते हैं, यहाँ क्या निकल रहा है ब्लैक। तो आपको देखना है ब्लैक वायर निकला है कि नहीं, और ये निकल कर कहाँ जा रहा है, एक लीड स्विच लगी हुई है, लीड स्विच समझते हैं स्पिनिंग स्विच, अगर हम स्पिन कैप को उठा देंगे तो क्या हो जाता है आपका स्पिन मोटर बंद हो जाता है, तो उसके लिए क्या लगा हुआ है लीड स्विच। तो ये फेज डायरेक्टली कहाँ आएगा लीड स्विच के पास है ना, अगर सब कुछ कर दिया कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, फिर में एक वायर जोड़ना है ब्लैक कलर जोड़ा है कोई कलर जोड़ो आपको लेकर जाकर देना पड़ेगा कहाँ पे लीड स्विच के पास फेज को है ना। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालने के बाद अब कहाँ देंगे स्पिन टाइमर के पास, स्पिन टाइमर का एक वायर होगा इसका कलर देखो यहाँ पे लिख रखा है वायलेट है ना, तो वायलेट कलर के पास क्या करना आपको इसको लेकर डाल देना है ना। तो ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि यहाँ से जब निकालेंगे तो स्पिन यानी कि स्पिन टाइमर को देंगे। हमने यही स्विच लगाया था इसके जस्ट बाद में, किसी में इसके बाद में लगा होता है, यहाँ पे क्या लगाया है पहले लगाया है, बस इसको फेस देना है। अब पूरा वायर तो बेकार है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाला वायर यहाँ से निकाल के इसको देना है, यहाँ से निकालना है तो टाइमर को लेकर आके देना है ना फेस के निकल रहे, और ये फेस आ जाता है आपके काम में। ये मोटर है, ये क्या लगा इसको क्या बोलते हैं जी कैपेसिटर। अब ऐसे डिजाइन जब भी वायरिंग में बनी मिल जाए आपको इसको क्या कहते हैं कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर है और आप देख रहे हो ये बाइंडिंग क्या हो रही है, ये सीधा डायरेक्टली आ रहा है ना, ये डायरेक्टली आने के बाद ये यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा वायरिंग किया, हमारे जो वायरिंग कैसे उससे अलग है लेकिन इसी डायरेक्शन पर वाशिंग मशीन चलेगी क्योंकि उन्होंने कंपनी ने क्या किया है यही बंद दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो फेस हो रहा है कहाँ आ रहा है रन बाइंडिंग में देख रहे हो, डायरेक्ट फेस कहाँ जा रहा है रन के पास, फिर जा रहा है फेस किसके पास कैपेसिटर में, और कैपेसिटर कहाँ जा रहा है स्टार्ट के पास है ना, और ये कलर क्या है पिंक पिंक है ना, इसका कलर क्या है ग्रे। तो वायर लगा दो है ना, बस ये कंप्लीट इसका फेस कंप्लीट किया। अब ध्यान से देखो इसका फेस हमने क्या किया कंप्लीट किया, इधर देखो इसके बाद इसमें एक और वायर जोड़ना है और लेके आ जाना है वाश टाइमर पे, कहाँ पे वाश टाइमर पे ठीक ना। इसका कलर क्या हो सकता है आपका, और यहाँ पे येलो है और यहाँ पे ऑरेंज हो गया, यहाँ पर आपका ऑरेंज हो गया तो यहाँ ब्लू बचता है ना, इसका कलर ब्लू हो सकता है। ये ब्लू वाला इसमें आपको लेना है नंबर, यहाँ लिखा है तीसरे नंबर का, इसको आपको जोड़ना है बजर के तरफ ही ये वायर होते हैं निकलने वाले। ये क्या आपका वाश टाइमर है, टाइमर क्या किया फेस दिया, ये दोनों वायर कहाँ आ जाएंगे कैपेसिटर में डायरेक्टली है ना, एक जो आ रहा है येलो वाला ये कहाँ आ जाएगा वाश टाइमर में यानी कि रेड में, अगर आपका येलो है तो इसके रेड में आ जाएगा है ना, ये आपका ऑरेंज निकल रहा है तो इसके ब्लू में आ जाएगा, ये आपका दे दिया ठीक। तो यहाँ पे हमने दे दिया ये आपका स्टार्ट हो गया और ये क्या हो गया रन हो गया, ये कॉमन है ना। तो इसके कॉमन में न्यूट्रल देते हैं, हमने अपने पीछे बताया था यहाँ दोनों को न्यूट्रल दे रहा है ना, तो बस ये हमने इसका कर लिया। बजर का वायर क्या करना देखो,
अभी फेस की बैंक कब है, बजर लगा देंगे, बजर में ये क्या है आपका बजर है, ठीक है, यहाँ लिखा गया, तो बजर में क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे फेस को, तो जहाँ जहाँ फेस था हमने सब लगा दिया, मान लो सब कुछ वायर हट गया हो, ये डायग्राम तो देखेंगे तो हमारे पास मशीन बगल में है, सब वायर लेंगे, यहाँ सिग्नल कहाँ जा रहा है वहाँ लगाएंगे, वहाँ सिग्नल फिर कहाँ जा रहा है वहाँ वायर लगाएंगे, वहाँ सिग्नल फिर कहाँ जा रहा है वहाँ लगाएंगे, कैपेसिटर पे कहाँ जा रहा है ऐसे लगाना है, बस कनेक्शन आपको तार बस वाले पूरे तार खत्म हो चुके, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम है डायग्राम देखना चाहिए, हमने फिर जब कंप्लीट किया तो हम न्यूट्रल को देखेंगे, कनेक्टर का वायर निकालेंगे, ब्लू कलर का वायर निकला है ना, और ये हम देना है एक न्यूट्रल डायरेक्ट एक देना है पास है ना, एक वाश को डायरेक्ट न्यूट्रल देना है और एक स्पिन मोटर को डायरेक्ट न्यूट्रल दे देना है, ये क्या है कॉमन 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 देखो कंप्लीट हो गए, तो सिंपल सा बस डायग्राम देखने अगर आ गया तो आसान तरीके से क्या कर सकते हो, इसकी वाली कर सकते हो, बहुत आसान होता है, ठीक है, स्पिन के भी कॉमन में, हाँ यहाँ स्पिन के भी कॉमन में, हमारा क्या जा रहा है न्यूट्रल ही जा रहा है, जो जिस कंपनी वाशिंग मशीन है उस कंपनी वाले इस तरीके से कनेक्शन करके दिया, तो कंपनी जैसा भी कनेक्शन करके देती है ना क्या करती है उसका डायग्राम स्टिकर चिपका देती है, ठीक है, तो जैसा भी वायरिंग करे उसका स्टिकर आपके बैक पैनल पे चिपका होता है, ये इतना थोड़ा सा स्टिकर है उसी में पूरा आपका चिपका रहता है, उसी बस आपको देखना है कौन सा कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, हम कैसे बनाते हैं जैसे बनाते हैं है ना, बस कंपनी के फिटर ऐसे होता है, हम मोटर बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना, इस मोटर में आपको हम दिखाते हैं ये है आपका ये देख लो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, तो डायग्राम में इस तरीके से सिस्टम होता है, आपको पूरा चित्र नहीं मिलेगा, क्यों क्या मिलेगा हिंट मिलता है किस चीज को, हाँ ये लिखा रहता है, ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज यहाँ लिखा ना, वास मोटर यहाँ स्पिन मोटर यहाँ पे वास टाइमर यहाँ पे स्पिन टाइमर है ना, यहाँ पे स्पिनर लीड वही जो कैप उठाने पर लाइट बंद कर देता है ना, ये आपका हो गया, इधर लाइट नहीं जाएगी जब उठा दोगे तो आपका पूरा मोटर बंद ये काम करता है, इधर आपका यहाँ भी लिख चुका है कि ये क्या है, यहाँ लिख चुका है क्या है ना, सब कुछ लिखा होगा, बस आपको कनेक्शन क्रम बाय क्रम डालते जाना, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, इस तरीके से करते